worked out by the Home Minister. सिलसिला चल रहा है. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को इसे रोकने में पहल करनी चाहिए. यदि पाकिस्तान को इसे रोकने में कोई कठिनाई आ रही है तो भारत के साथ उसे बातचीत करनी चाहिए. भारत उसमें सहयोग करने को तैयार है. लेकिन क्यों होता है कि बराबर जो आतंकवादी भारत की सरहदों को पार करके आते हैं और यहां तबाही पैदा करते हैं इसे हिंदुस्तान में, वही सब सारे आतंकवादी पाकिस्तान में ही घरों में छिपे हुए हैं, उनको छुपा कर रखा गया है. क्या इसकी जवाबदेही पाकिस्तान की नहीं बनती? मेरा ये मानना है कि सरकार की कमजोरी का पाकिस्तान पूरा फायदा ले रहा. जब शुरुआती गड़बड़ होगी ना, जाते ही जो आपने आशीर्वाद लिया है उनकी सरपरस्ती में जब सरकार बनाई और आपने रेड कारपेट लाल कालीने स्वागत में बिछाई, उनका इस्तकबाल किया, उनसे बातचीत शुरू की, तो उन्हें लगा कि भाई नई सरकार जो आई है ये तो बिल्कुल हलवा सरकार है, हमारे मामले में बिल्कुल ठीक है. तो हौसले बढ़ गए और उन्होंने शुरू कर दिया ये. तो एक कड़ा रुख अगर शुरू से रखते और बातचीत अपनी जो बातचीत में भी कड़ा रुख रखे तो उसका फर्क पड़ता है. तो इसलिए वो लगातार गतिविधियां करा रहे हैं. तो इसलिए आपको उनके साथ कड़ाई से पेश होना पड़े, बातचीत करें. बातचीत इतनी कड़ी हो कि जैसे ये था मामला मुंबई वाला, तो आप देखिए उसमें किस तरह से चिदम्बरम ने सारे दस्तावेज दिए, उसका असर पड़ा.